अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ ऐसी यूनिक रेसिपी जो कि बहुत कम खर्च में बनके तैयार होने वाली है। अक्सर तो हमारे घरों में दूध फट जाता है, या तो फेंक देते हैं, या तो उसे किनारे रख देते हैं, या तो कोई डिश बना लेते हैं। तो मेरी तरह आप एक से एक डिशें बनाइए, मैं और भी डिशें दूँगी। तो आज की मैं रेसिपी बनाने वाली दूध बात की रेसिपी, जो चावल से और दूध से फटे हुए दूध से बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। 750 ग्राम करीब दूध है जो कि फट चुका है, मैंने फ्रिज में रखना भूल गई थी। तो अब इससे क्या करते हैं, कोई नई तरह की डिश बनाते हैं। तो मैं ऐसे कई तरह की डिशें बना लेती हूँ, आज मैं इसे बनाऊँगी खड़े चावल के साथ, जो कि एक स्वीट डिश अच्छी सी बन जाएगी। और ये देखिए दूध पूरी तरह से नहीं फटा है, लेकिन इस तरह से हो गया। तो इससे क्या होता है ना, इस तरह से कई तरह की छेना मिठाई बना सकते हैं आप, दलिया बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या मेरी तरह दूध भात बना सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज भी बोल सकते हैं दूध चावल। तो इस तरह की खड़े चावल की खीर टाइप की बनाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेती हूँ और क्या चीज़ें चलेंगी। एक कटोरी मैंने चावल ले ली, चावल अपने मकदार जितने डालना चाहें डालिए। तो मैंने एक कटोरी ले ली, ग्राम से ये होंगे 100 ग्राम, और 100 ग्राम चीनी ले लेनी है। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, मैंने पिस्ता और बादाम लिए, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकती है जो खाना पसंद करें और डालना। तो पिस्ते को मैंने भिगो दिया था, देखिए भीगने के बाद इसे ग्रीन कलर निकल आता है। इसी तरह पिस्ते को जब भी यूज़ करें तो आप भिगो के करें, ताकि इसका ग्रीन कलर अच्छा सा इसका छिलका निकालते जाएं। और ये देखिए एकदम ये हाथ से ऐसे करेंगे, देखिए ग्रीन ग्रीन निकले। तो मैंने पिस्ता जो है थोड़ी देर भिगो दिया था। तो मैंने लिया एक कुकर, आप कोई भी पतीले में बना सकते हैं। और ये मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया, वाश कर लिया 3-4 पानी से। और इसमें डालेंगे ये इलायची जिसका मैंने मुँह खोल लिया, 3 से 4 इलायची डाल दीजिए, हरी इलायची। और ये डाल देंगे फटा हुआ दूध, ये देखिए पूरा दूध हमने शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, इसको जो चावल जो है इसी पानी में गल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि चावल थोड़े आपको ज़्यादा लग रहे हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकती है, वरना थोड़ा दूध भी डाल सकती है कि 1 गिलास या आधा गिलास दूध डाल दीजिए। अब इसे मैं जो है अभी चीनी नहीं डालने वाली हूँ, अब इसे मैं जो हूँ ढक्कन लगा कर इसे कवर करके 2 बेसन ले लेती हूँ। तो गैस ऑन कर दिए, मैंने प्रेशर निकाल दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा बढ़ा सकते हैं, जैसा आप मीठा पसंद करें। और साथ ही मैंने सेफ्रॉन के कुछ धागे भिगो दिए थे, इसे शामिल कर देंगे। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलर भी। तो इस तरह से आप कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर सेफ्रॉन के धागे नहीं डालना चाहें। तो इसे डालने के बाद हम कुछ देर इसको पकाएंगे, चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से और इसे जो है अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आपको कलर देखें कि नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देती हूँ, बस ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप वाइट भी रख सकते हैं अगर कलर ना पसंद करें तो। चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा। अच्छा, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, वैसे ये मेरी इंडियन रेसिपी है, इसमें जो है ये नहीं पड़ता, ये तो आपकी मर्ज़ी हो, तो पसंद करते हो तो डाल दें, वरना इसके बिना ही बनाएं। बस ये मैं गैस की फ्लेम बंद करती हूँ, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा दूध भात बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।